बिहार बोर्ड इंटर इंटरमासी परीक्षा जो मैथ का हुआ है उसका मैं आंसर के लेकर आ गया हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर के आपके सामने दिया जा रहा है ओरिजिनल क्वेश्चन जो है वो आपके सामने दिया जा रहा है फटाफट फड़ सभी को शेयर कर दें ठीक है एक एक क्वेश्चन जो है ओरिजिनल है आपका और सभी का ऑथेंटिक आंसर दिया जा रहा है एक एक क्वेश्चन आपका सही आंसर है तो सभी को मिला लीजिए और सभी को शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे एग्जाम में सही तरीके से आंसर कर पाएँ बिल्कुल हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन है यही आपका है ठीक है छब्बीस तारीख आज का आपका पेपर है तो सभी को मिला लीजिए और सभी को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी फाइनल एग्जाम की भी तैयारी भी इसी चैनल पर आपको करवाई जा रही है अभी से एक ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं ठीक है व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो आगे क्लास करने में आपको देखिए पहला क्वेश्चन जो आप है आपसे पूछा गया है पेन वाला पे ध्यान नहीं देंगे मैं जो आंसर बताऊंगा उस पर आपको ध्यान देना है पहला बोला गया है कि साइनिक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है तो साइनिक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपको टिक करना है ठीक है साइन का इंट्रीगेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी ऑप्शन नंबर बी टिक करना है नेक्स्ट देखिए पूछा है आपसे टेन एक्स का इंट्रीगेशन क्या होता है तो टेन एक्स का इंट्रीगेशन ध्यान देंगे ए नहीं होगा ठीक है डिफ्रेंसीशन होता है वो तो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी आपको टिक करना है लॉक्स एक एक्स प्लस सी बिल्कुल सही है ठीक है <coughs> आगे देखिए यहाँ पे दो चीज डिफ्रेंसीेशन पूछा है सॉरी डिफ्रेंसीेशन पूछा है इंट्रीगेशन नहीं पूछा है ये डिफ्रेंसिएशन का साइन है तो क्या होगा एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन टू एक्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे ठीक है उसके बाद देखिए आगे यहाँ पे पूछा है इंटीग्रेशन फिर यहाँ से पूछा है ठीक है इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर का तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी टिक करना है आपको ठीक है नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव पूछ रहा है किसका इंटीग्रेशन क्या होगा वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर का तो ये डायरेक्ट आपका फॉर्मूला पर बैठ जाएगा इसका राइट आंसर है टेन इनवर्स एक्स प्लस सी ठीक है टेन इनवर्स एक्स प्लस सी आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स बोला है कि वन बाई वन प्लस एक्स का इंटीग्रेशन आपसे पूछा गया है वन बाई वन प्लस एक्स का ठीक है बहुत बच्चे बी पे क्लिक कर दिए लेकिन बी आपका रॉन्ग है ठीक है वो डिफ्रेंसिएशन होगा तो यहाँ पे इंटीग्रेशन पूछा है तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वन बाई एक्स का लॉग लॉग एक्स होता है ठीक है वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग एक्स होता है तो राइट आंसर सी हो जाएगा नेक्स्ट है लॉग एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग एक्स का इंटीग्रेशन ठीक है अब यू यू इन वी पे आपको बनाना है तो यू इंटू वी पे बनाएंगे तो सही जवाब होगा एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे है तो नीचे कर लेते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट पूछा है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपसे पूछा है तो सेक स्क्वायर एक्स डायरेक्ट आपका फॉर्मूला पे बैठ जाएगा टेन एक्स प्लस सी हो जाएगा ठीक है एक्स टू दावर माइनस वन बाई टू का क्या होगा सबसे पहले इसको आप तोड़ के ही बना सकते हैं ठीक है इसको वन बाई एक्स टू दावर वन बाई रूट एक्स हो जाएगा ठीक है इसे तोड़िएगा तो अब उसके बाद जो सही आंसर होगा टू रूट एक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नेक्स्ट है टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपसे पूछा है कि टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो इसको तोड़कर पहले सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन कर लेना है ठीक है सेक स्क्वायर एक्स आ, देखो यहाँ पे आपको फार्मूला पता होना चाहिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर वन होता है ठीक है तो यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन हो जाएगा ठीक है तो सेक स्क्वायर का एक्स यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा ठीक है ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा ठीक है ऑप्शन नंबर डी पे आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी ठीक है आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर एलेवन पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर एलेवन है इसका इंटीग्रेशन है तो आपको वन बाई फाइव आपका बाहर आ जाएगा ठीक है सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ठीक है फाइव बाहर हो जाएगा क्योंकि फाइव कॉन्स्टेंट है आगे देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में एक का इंटीग्रेशन पूछ रहा है तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी एक्स अपॉन डी हो जाएगा ठीक है एक्स अपॉन लॉगे नेक्स्ट देखिएगा ई एक्स का इंटीग्रेशन तो आपको पता है कि ई e एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स ही होता है और जो पावर होता है वो आपका नीचे चला जाता है तो इस कंडीशन में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका ठीक है फोर्टीन नंबर क्वेश्चन देखेंगे फोर्टीन नंबर क्वेश्चन क्या है तो फोर्टीन नंबर क्वेश्चन जो है जब नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन ऊपर होता है तो उस कंडीशन में लॉग के साथ नीचे वाला आंसर हो जाता है तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ठीक है ई एक्स प्लस वन का डिफ्रेंशिएसन निकालेंगे तो ई एक्स हो जाएगा ठीक है इस कंडीशन में हम नीचे वाला का लॉग uh, लगा कर आंसर कर देते हैं तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी उसके बाद देखिए फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन है इस बार आपका ई लॉग कॉसैक्स दिया है ठीक है तो पहले ई e एक्स का निकालेंगे उसके बाद लॉग कॉसेक्स का निकालेंगे राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है ठीक है सिक्सटीन नंबर देखिए क्या पूछा है सिक्सटीन नंबर पूछा है कॉशेक्स इंटू कॉटेक्स का इंटीग्रेशन पूछा है डायरेक्ट आपका फॉर्मूला पूछ दिया है ठीक है cos x का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस x एक्स इंटू कॉटेक्स तो कॉस एक्स इंटू कॉटेक्स का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो माइनस कॉस हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है ठीक है उसके बाद देखिएगा पूछा है रूट अंडर वन बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है तो इसको आप साइन इन्वर्स एक्स बाई ए करके आंसर करेंगे सही जवाब क्या होगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए करके ठीक है फॉर्मूला पे डायरेक्ट है उसके बाद देखिएगा इसको आपको तोड़ लेना है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स बाई टू है इसको तोड़िएगा तो आएगा एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन ठीक है एक्स माइनस टू और एक्स माइनस टू कैंसिल हो जाएगा बचेगा वन बटे एक्स माइनस वन ठीक है इस कंडीशन से लॉग एक्स माइनस वन आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है ठीक है उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है नाइनटीन नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ठीक है वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन इनवर्स x एक्स होता है डायरेक्ट आपका फार्मूला पे ये क्वेश्चन दिया गया है ठीक है नेक्स्ट देखिए ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन क्या है ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स तो सबसे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है तो आपको फार्मूला पता है कि कॉस टू ए होता है तो ये कॉस टू एक्स हो गया कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो साइन टू एक्स हो जाएगा और टू जो है वो नीचे चला जाएगा तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ठीक है राइट आंसर है नेक्स्ट देखिए इसका आपको तोड़ना है तो गुना करेंगे नाइन इंटू नाइन नाइन माइनस इक्कीस इक्यासी और चार चक सोलह और माइनस माइनस प्लस सोलह ठीक है तो माइनस सिक्सटी फाइव ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है आगे देखिए फिर पूछा है ट्वेंटी टू में कि आपको बताना है इसका मान गुना कीजिएगा तो माइनस एक्स बाई होगा क्रॉस फिर ये भी गुना कीजिएगा तो माइनस एक्स बाई होगा ठीक है माइनस एक्स बाई होगा यानी माइनस टू एक्स बाई ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है ठीक है उसके बाद देखिए ट्वेंटी थ्री को जब आप सॉल्व कीजिएगा ठीक है ट्वेंटी थ्री को जब आप सॉल्व कीजिएगा इसको जोड़िएगा ये आपका रो टू है और ये आपका क्या है रो थ्री है रो टू और रो थ्री को जब जो आप जोड़ेंगे तो देखेंगे कि आपका जो रो वन है और रो टू जो है दोनों देखिए दो एक तीन हो जाएगा तीन दो पाँच हो जाएगा चार दो छः हो जाएगा यानी पहला रो वन और रो टू इक्वल हो जाएंगे तो इस कंडीशन में जब बराबर हो जाता है तो उसका मान शून्य हो जाता है तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी टिक करना है ठीक है उसी तरीके से इसका भी क्वेश्चन है इसका भी शून्य हो जाएगा देखिए सात सात चौदह हो जाएगा आठ आठ सोलह हो जाएगा ग्यारह ग्यारह बाईस हो जाएगा और चौदह सोलह बाईस पहले से ही है ठीक है तो यानी रो वन रो टू के बराबर हो जाएगा तो इस कंडीशन में भी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा जीरो हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट ट्वेंटी फाइव नंबर क्वेश्चन पूछा है कि आपको गुना कर लेना है क्रॉस गुना करेंगे तो एक्स हो जाएगा वन माइनस बाई को गुना करेंगे तो माइनस माइनस फिर प्लस भी होगा यानी सही जवाब होगा आपका एक्स प्लस बाई हो जाएगा इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टिक कर लेना है ठीक है नेक्स्ट देखिए जोड़ना है जोड़ने में क्या करना है एक दो कितना तीन दो एक तीन तीन चीज सात सात चार तीन सात सही जवाब है बी नंबर ठीक है उसके बाद क्रॉस गुना करना है क्रॉस जो है रो को कॉलम से गुना करते हैं ठीक है थीके? ये रो है और ये कॉलम है वन इंटू वन वन और वन इंटू जीरो जीरो ठीक है तो वन जीरो हो जाएगा ठीक है सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है ठीक है उसी कंडीशन में आपका रो कॉलम का फिर गुना है आपका ट्वेंटी एट में इसका गुना कीजिएगा तो रो को कॉलम से गुना किया जाता है ठीक है तो पहला रो को कॉलम से गुना कीजिएगा तो वन फिर जीरो 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 यानी यही आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है ठीक है उसके बाद देखिए ट्वेंटी नाइन तो और भी इजी है ट्वेंटी नाइन में भी आप गुना करेंगे तो वन जीरो जीरो और जीरो वन भी जीरो, जीरो यानी कि दोनों जीरो हो जाएगा तो ज़्यादा देखने की जरूरत ही नहीं है सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए उसके बाद थर्टी नंबर क्वेश्चन भी आपका उसी टाइप का है तो वन को वन से गुना किए वन फिर जीरो को जीरो से जीरो जीरो को जीरो से जीरो यानी पहला वन जीरो जीरो ही आ जाएगा तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं बिल्कुल रियल आंसर की आपको बताया गया है एक एक क्वेश्चन सही किया गया है ठीक है तो आप और सब्जेक्टिव यहाँ पे देख लीजिए सब्जेक्टिव के लिए अलग से एक वीडियो क्लास में मैं बता दूंगा और आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सूचना है कि ऑल सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायो और हिंदी इंग्लिश इन सभी का पीडीएफ जो नोट्स है जो कि 90 परसेंट एग्जाम में आप ला सकते हैं वो इस चैनल पे दिया जा रहा है लेने के लिए करना क्या है इसका टोटल चार्ज है तेरह सौ रुपये तेरह सौ रुपये जो है वो आपको कैसे देना है तो नाइन फाइव जीरो फोर फाइव वन जीरो फाइव डबल ज़ीरो ठीक है नंबर ध्यान से लिखीजिएगा नाइन फाइव जीरो फोर फाइव वन ज़ीरो फाइव डबल ज़ीरो ठीक है ये फाइव है फाइव डबल जीरो वन जीरो फ़ाइव डबल ज़ीरो फिर से देख लीजिए नाइन फाइव जीरो फोर फाइव वन ज़ीरो फाइव डबल जीरो इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है और पेमेंट गूगल पे या फोन पे के माध्यम से करना है और पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है और सब्जेक्ट का नाम बताना है आपको सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है 80 प्लस 90 परसेंट मार्क्स आराम से आएंगे अभी तक कुछ नहीं पढ़े फिर भी गर्द दौड़ा के उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है उसके साथ ही साथ फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन भी आपको दे दिया जाएगा ठीक है गाइज तो मिलते हैं आपसे शेयर कर दीजिए सभी को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लाइव क्लास में आपसे मिलेंगे शाम के सात बजे